डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रयागराज जनपद हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले बरौद बाजार के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर बीसी सखियों का चयन किया गया है, जिससे कि हर गांव में एक बीसी सखी का चयन हुआ है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा अनु शुक्ला, सुपरवाइजर शक्ति सिंह, मिशन अधिकारी धीरज सिंह, अमित कुमार के द्वारा पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि सरकार के द्वारा की गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोगों को छुटकारा मिलेगा और आपके भी मिलेगा और भी तमाम प्रकार की योजनाएं आती है, उसे आपको ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हो जाएगी। कुमारी रीता देवी, निर्मला देवी व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। खास रिपोर्ट माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से पुरुषोत्तम मिश्रा, हंडिया प्रयागराज। सारी चीजें वो अपने स्तर पर ही उनका हो जाएगा। आपको ऐसी सारी फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। आज के तौर पे हमारे यहाँ का फोन का जो ऐप है पीओवी वर्ल्ड, उसके थ्रू भी सारे काम काज आजकल आप लोग अपने घर बैठे ही आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप अपने एटीएम अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा है, और इधर के लोग अगर शिक्षित अगर होंगे तो ये लोग अपने फैमिली वालों को भी समझाएंगे। तो ये है कि एक अच्छी चीज़ें हैं, तो आगे के लिए भी जो है कि फ्यूचर अच्छा ही रहेगा इन लोगों के, उनके घर वालों का भी फ्यूचर अच्छा रहेगा। जी सर, आपका नाम? सर सुना, मेरा नाम अनुज है, संदीप शुक्ला, सखा प्रबंधक ठीक से। थैंक यू सर। ये जो डिजिटल लेन देन के प्रति आज कार्यक्रम रखा गया, आप ब्लॉक के सीनियर सर, आप क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों को, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का धन्यवाद, इतनी अच्छी स्कीम लगाई, मतलब कि गांव में महिलाओं को घर बैठे वित्तीय लेन देन, जो उनको 150 की जरूरत है, छोटी मोटी जरूरतें हैं, 1500 की जरूरतें हैं, उसके लिए बैंकों में जाकर घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता था, भाड़ भी लगाना करते थे, और दिक्कत ये होती थी कि पैसा लेके आ रहे रास्ते में कहीं कोई छीन भी लेता था, कुछ इस तरह से क्राइम भी हो जाते थे। बट अगर ग्राम पंचायत में हमारे समूह के माध्यम से किसी दीदी को रोज़गार मिल गया, बीसी सखी के अंतर्गत उस दीदी को रोज़गार भी मिल गया, साथ में वो अपने गांव की जितने भी मनरेगा कर्मी। आपका नाम क्या है? जो अभी शाखा प्रबंधक बरौद के आप कुछ बताए हैं शाखा से जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, आपने क्या समझा? आप ग्रामीण है, आप बताइए। सर, उसमें एक बीमा करवाने के लिए जीवन ज्योति बीमा, और एक अटल पेंशन योजना, और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये बीमा करने के लिए बताया, ताकि कल को अगर हमारे पर कोई दिक्कत हो तो हमारे परिवार को कुछ सहारा मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे थोड़े समय के लिए, जब ना कुछ सहारा मिल जाएगा।